हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यदि आपका सोलर पैनल काम नहीं कर रहा है, आपके सोलर पैनल से एम्पियर नीचे नहीं जा रहा है, करंट नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, तो कहां कहां प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूं। और अपने सोलर पैनल को आप वर्क में कैसे लें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा देख लीजिए, सोलर पैनल है टोटल मेरे पास तीन सोलर पैनल है, जो कि दो 12 वोल्ट का, एक 24 वोल्ट का। तो सबसे पहले तो आप अपना एंगल चेक कर लेना कि आपका जो है साउथ की ओर सेट है कि नहीं, और 25 से 30 डिग्री तक सेट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो 25 से 30 डिग्री तक मेरा झुका हुआ है जो साउथ की ओर है, ताकि जो सूरज है सुबह सुबह उगते ही इस पर धूप पड़ने लगे और शाम तक पड़ते रहे। तो आप देख सकते हो अभी सूरज के साथ सुबह के 7 बजे और सूरज का धूप इस पर प्रॉपर पड़ रहा है। और ये ऐसा जगह सेट है मेरा जैसे कि जहाँ तक कोई भी मंथ हो इसमें अच्छे से सोलर जो काम करेगा, सोलर का जो, और आपका सोलर ऐसा जगह सेट है जहाँ पे धूप अच्छे से पड़ता हो, कोई छाव नहीं हो, फिर भी काम नहीं कर रहा हो तो, और बिल्कुल भी एम्पियर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना। जो आपका, जैसे आप यहाँ मेरा देख सकते हो, मेरा डीसी वायर है, आपका क्या एसी वायर यूज़ है, या MC4 कनेक्टर है, क्या आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो। यदि MC4 कनेक्टर आपका सही से नहीं लगा हो तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे करंट लॉस हो सकता है, या वहाँ करंट जाएगा ही नहीं नीचे बिल्कुल। तो आप एक बार यहाँ पे खोल के चेक कर सकते हो, जिसको मैं खोल के दिखा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हो इसके नीचे अंदर जो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, अच्छे से प्रॉपर वायर इसमें होना चाहिए। इस इधर भी आप, इसके अंदर भी आप चेक कर लेना, यानी जो वायर है निकला है कि नहीं, आप यदि कनेक्ट कर रहे हो तो दोनों कनेक्ट हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि यहाँ भी आपका ठीक हो तो उससे फिर तीसरा आप यहाँ चेक कर लेना, जो जंक्शन होता है सोलर पैनल का, तीन सोलर पैनल है, तीनों में जंक्शन होगा। तो आप जितना सोलर पैनल है सबका आप खोल के चेक कर लेना यहाँ से एम्पियर। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, तो इस मल्टीमीटर से आपका एम्पियर चेक हो जाएगा। मैं आपको आगे दिखा दूंगा कैसे एम्पियर चेक करते हैं। और आप यहाँ पहले एम्पियर चेक कर लेना पैनल का, यदि एम्पियर आपका नहीं दे रहा हो तो आप उससे पहले यहाँ चेक कर लेना जो जंक्शन होता है। तो जंक्शन को आप अपने पेशकस से खोल सकते हो, तो मैंने पहले ही खोल लिया हूँ। तो जंक्शन खोल करके आप, ये रहा जंक्शन का ढक्कन, तो आप यहाँ देख लेना आपका वायर कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हो मेरा वायर अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट है। तो आप अपना सोलर पैनल चेक कर लेना, क्या वायर यहाँ पे डिसकनेक्ट है या क्या हुआ है, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो। और आपका यदि यहाँ पे भी करंट नहीं दे रहा हो, वायर जॉइंट हो, तो आप यहाँ भी एम्पियर टेस्ट कर सकते हो, या ये जो डाउट है वो कहीं उड़ा ना हो, यहाँ भी देख लेना। और दूसरी बात, आप फिर यदि यहाँ करंट दे रहा है और यहाँ नहीं दे रहा है तो आप यहाँ चेक कर लेना। तो आपने देखा मेन प्रॉब्लम यहाँ होता है, जैसे कि ये मेरा 200 वाट का जो पैनल है, इसमें वायर पहले से नहीं था तो मैं एक्स्ट्रा वहाँ पे वायर लगाया हूँ खुद से। तो कभी कभी क्या होता है कि पहले से जो वायर होता है वो भी वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वहाँ से अलग हो जाता है, तब वहाँ चेक कर लेना, जो इसको जंक्शन बॉक्स कहते हैं। तो इसको हम लगा देते हैं अभी फिलहाल, और आपको यहाँ एम्पियर चेक करा के दिखा देते हैं कि यदि वहाँ ठीक है तो यहाँ पे एम्पियर कैसे देता है। तो मैं आपको यहाँ पे एम्पियर दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे भी वोल्ट पे सेट है, तो मैं वोल्ट दिखा देता हूँ। लगभग 56.5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ देखिए हम यही खोलते हैं तो यहाँ 0 हो रहा है। तो इसी तरह से आप अपना एम्पियर और वोल्ट चेक कर सकते हो। यदि आपका एम्पियर वोल्ट यहाँ सही तरीके से आ रहा है, मतलब आपका यहाँ भी ठीक है, तो आप अपना ये चेक कर लेना जो वायर नीचे से गया, ये वायर कहीं कटा ना हो। और यहाँ भी आप चेक कर लेना खोल के इसको, मैं आपको खोल के ये भी दिखा देता हूँ। तो आप ये वायर खोल के यहाँ चेक कर सकते हो कि यहाँ जो वायर हम अंडर कनेक्ट किए हैं, जो हमारा जो इसमें पहले से लोहा दिया था, वो लोहा में अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ भी कनेक्ट हो, और ये इधर भी आपका सही से प्रॉपर हो, इसमें देख सकते हो, मतलब आपका ये भी ठीक है। तो आप नीचे चेक कर सकते हो, तो इसको हम कनेक्ट करके नीचे चलते हैं। तो यहाँ मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ सबको अच्छे से, और हम नीचे चलते हैं, अपना इन्वर्टर चेक करते हैं डिस्प्ले में कितना एम्पियर आ रहा है, और वहाँ भी दिखा दूंगा कहाँ कहाँ फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। तो
तो हम नीचे आ गए हैं और आपको यहाँ पे बता देते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपका सोलर पैनल काम नहीं कर रहा हो या इन्वर्टर तक लाइन नहीं पहुँच रहा हो। तो ये देख सकते हो मेरा डीसी वायर है जो ऊपर से आया था, तो बीच में आप चेक कर सकते हो कहीं कटा ना हो। और ये जो वायर है इसको MPPT से खोल करके आप यहाँ पे जो मल्टीमीटर था, आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एम्पियर आ रहा है कि नहीं, वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यदि यहाँ पे यदि एम्पियर आ रहा है, वोल्ट आ रहा है दोनों, तो आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है या इन्वर्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है। यदि आपका सोलर पैनल या सोलर कंट्रोलर के ठीक है और यदि करंट भी सही से आ रहा है फिर भी सोलर चार्ज नहीं दे रहा है, तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसमें आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ कि यहाँ सोलर पावर कितना आ रहा है। ये देखिए सोलर पावर अवेलेबल और यहाँ 2.2 एम्पेयर आ रहा है सुबह के 7 बजे और 35 वोल्ट आ रहा है, और ये 4.9 एम्पेयर लगभग 5 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है सुबह के 7 बजे तीनों पैनल मिलके। मतलब मेरा जो पैनल है पूरा सही है, हर जगह मैंने चेक कर लिया। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। जो और दूसरी बात, आप जो कुछ टाइट कर रहे हो, जो आपका वायर जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर में वायर कनेक्ट करके आप स्क्रू जो टाइट करते हो, वो अच्छे से चेक कर लेना आप टाइट करके, कहीं वहाँ ढीला ना हो। हो सकता है वहाँ से भी आपका शॉर्ट सर्किट हो, इसलिए एम्पियर कम दे रहा है या एम्पियर नहीं दे रहा है, वहाँ चेक कर लेना। और जो आप बैटरी में जो वायर कनेक्ट करते हो, आप बैटरी का भी वायर आपका टाइट होना चाहिए, क्योंकि उसका जो आउटपुट निकलता है उसमें और बूस्ट करके चार्ज देता है, तो उसमें ज़्यादा पावर रहता है, तो वो भी चेक कर लेना, वहाँ से भी फॉल्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि आपके सोलर पैनल यदि एम्पियर कम दे रहा है, यदि नहीं दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि साउथ की ओर सेट होना चाहिए आपका सोलर पैनल। आप स्टैंड पे सेट किए तो बहुत अच्छी बात है, स्टैंड पे सेट नहीं किए तो स्टैंड पे सेट कर लेना, क्योंकि स्टैंड बहुत ज़रूरी है सोलर पैनल के लिए, बचाव के लिए भी और एम्पियर के लिए भी, क्योंकि स्टैंड रहेगा तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो साउथ की ओर। और आप देख सकते हो 25 डिग्री के एंगल में सेट है मेरा तीनों सोलर पैनल, जो कि मैं GIS स्ट्रक्चर बना के सेट कर किया हूँ। और ऐसा जगह सेट करना जहाँ पे धूप प्रॉपर पड़े। और दूसरी बात, अपना वायर चेक कर लेना, वायर आपका सही हो। और जो सबसे पहले मैं आपको दिखाया था जो जंक्शन बॉक्स होता है, जंक्शन बॉक्स में आपका तार वहाँ पे छूटा ना हो, टूटा ना हो, वहाँ चेक कर लेना, वहाँ मेन प्रॉब्लम होता है कभी कभार, और वो अंदर में रहता है तो दिखता नहीं है जल्दी, वहाँ चेक कर लेना। MC4 कनेक्टर में चेक कर लेना और इन्वर्टर के पास चेक कर लेना, वायर अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं, टाइट है कि नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम आप चेक कर लोगे तो आपका कहीं भी कुछ फॉल्ट होगा तो सही हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो सोलर को लेके, यदि आपका सोलर पैनल पूरा घर का लोड नहीं चला पा रहा है, कोई भी और की दिक्कत है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे चैनल पे जो भी नए हो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए।